हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सट्रीम एडवेंचर चैनल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेटर में जो ओवरलोड ओएलपी प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, और रिले जो कि हमारे कंप्रेसर के में यूज़ होती हैं, ओवरलोड ओएलपी और रिले, इसको कैसे चेक किया जाता है कि ख़राब है या ठीक है। इसके लिए हमें क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे मल्टीमीटर बोलते हैं। ये रहा हमारा क्लैंप मीटर, इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे, जहाँ पे ये साउंड का एरो बना हुआ है, जो निशान बना हुआ है, इसके ऊपर हम अपने मीटर को सेट करेंगे, मीटर की नॉब को। इस टाइम इसे में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसके मीटर पे 1 लिखा आ रहा है, इसका मतलब इस पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। पहले हम ओवरलोड को चेक करेंगे। ओवरलोड को हमेशा सीधे पकड़ के चेक करना है। कुछ मेरे टेक्नीशियन भाई इसको उल्टा पकड़ के या तिरछे पकड़ के चेक करते हैं, इसको हमेशा सीधे पकड़ के चेक करना है। उसके लिए आपको एक वायर जो इसका ये पॉइंट है, इसमें लगानी है ऐसे करके, और इसकी जो दूसरी वायर है, एक वायर ऐसे लगी, इसकी जो दूसरी वायर है उसको यहाँ पे टच करना है। इसमें आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, बीप की आवाज़ आ रही है और रीडिंग आ रही है 55 56। इसका मतलब कि जो ओवरलोड है ओएलपी है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें आपको कंटिन्यूटी नहीं आती है, या कुछ भी बीप की आवाज़ नहीं आती है, कोई रीडिंग नहीं आती है, इसका मतलब कि ये ख़राब है, फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये ठीक है, और इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो ये ख़राब है, फिर आप इसको चेंज कर दीजिए। ऐसे ही रिले को चेक करना है। ये हमारे पास रिले है, कुछ रिले हमारे पास 2 1 पॉइंट वाली होती है, कुछ 3 पॉइंट वाली होती है, और ये मेरे पास 4 पॉइंट वाली है। अभी इसको कैसे चेक करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ आपको। जो ये सामने पॉइंट है, जो कंप्रेसर के थिम्पल्स पे लगते हैं, आपको जो एक पॉइंट इसका मल्टीमीटर की वायर का, इसमें लगाना है और थोड़ा सा टाइट करके पकड़ना है, जिससे आपकी आपको मतलब बिल्कुल श्योर हो जाए, आपका कनेक्शन लूज़ ना हो, आपकी कंटिन्यूटी में चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, या आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसमें चेक करने के लिए। तो आपको थोड़ा ये बिल्कुल इसमें ऐसे करके लगाना है, आप देख सकते हैं, इसको ऐसे करके इसमें एक में लगा दीजिए, और बिल्कुल ऐसे घुमा के आपको चारों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस पॉइंट पे जैसे कंटिन्यूटी बिल्कुल आ रही है, बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, वैसे ही दूसरे पर चेक करना है, इसमें भी बीप की आवाज़ आ रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, वैसे तीसरे में और वैसे चौथे में, इसमें भी बीप की आवाज़ आपको आ रही होगी, इन चारों पॉइंट्स पे बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि इस इन चारों पॉइंट में कंटिन्यूटी आ रही है इस पॉइंट से। वैसे ही आपको ये पिन निकाल के दूसरे पॉइंट में लगानी है, जिससे आपको फिर से इन चारों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। आप इस पे चेक करोगे, बिल्कुल पहले इसके सीधे से वैसे चेक करें, इसको थोड़ा टाइट करके रखें। अगर आपका ये लूज़ रहा, यहाँ से आपका पिन अंदर टच अच्छे से नहीं हो, तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। पहले श्योर कर लें कि आपकी ये पिन अंदर टच हो रही है इसके अंदर कि नहीं हो रही है। इसको अच्छे से टच करवा दें अंदर, उसके बाद इन चारों पॉइंट्स पे चेक करें। आपको बीप सुनाई दे रहा होगा, ये थोड़ा छोड़ छोड़ के आ रहा है, थोड़ा हिल रहा है मेरे से, इसलिए थोड़ा बीप की आवाज़ छोड़ छोड़ के आ रही है। लेकिन अब ये देखो, आप चेक कर सकते हो, आ रही है बीप की आवाज़, और वैसे ही आगे चेक करनी है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, और थोड़ा हिल रहा है दोस्तों, इस पर भी बीप की आवाज़ आ रही है। मतलब इन दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से भी पीछे वाले चारों थिम्पल पे बीप की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है, और इस पॉइंट से भी चारों पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी आ रही है। कुछ हमारे पास 3 होते हैं, उसमें भी आप एक में लगाओगे तो इन तीनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, और दूसरे पे लगाओगे तब भी इन तीनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे पास सिंगल वायर वाले, वो हमारे पुराने मॉडल्स में आते थे, अब वो नए मॉडल्स में नहीं आते, बहुत कम आते हैं सिंगल वाले। उसमें आपको एक दोनों वायर्स को यहाँ पे लगा के पीछे उस एक थिम्बल में चेक करना है, अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो वो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो वो ख़राब है। इसी प्रकार इसको चेक करना है, इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। अगर हाँ, अगर आपकी कंटिन्यूटी आप इसमें लगा रहे हैं, इन दो में कंटिन्यूटी आ रही है और एक में नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपकी जो रिले है वो ख़राब है।
ठीक है। और जैसे 4 पॉइंट वाला है, इसमें चारों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम इन तीनों में तो कंटिन्यूटी आपकी आनी ही चाहिए, इन तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है, क्योंकि इसके इसके साथ जो ये वाला थिम्बल है, यहाँ पे कैपेसिटर की वायर्स लगती हैं, आपको ये रखना, तो क्योंकि जो आपकी एक पॉइंट है वहाँ पे आपका फेस आएगा, जो रनिंग वाला पॉइंट होता है, और जो स्टार्टिंग होती है जो उसके बिल्कुल सामने वाला पॉइंट होता है, इसमें आपको कैपेसिटर लगाना होता है, एक वायर कैपेसिटर यहाँ लगती है, एक वायर यहाँ लगती है, और जो यहाँ पे फेस की वाली जो थर्मोस्टेट से वायर आती है वो यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो आपको इन चारों थिम्बल्स की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, चार वाली है, तीन वाली है, एक वाली है, आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इनमें कंटिन्यूटी आ रही है, जैसे चार थिम्बल्स, चारों में कंटिन्यूटी आ रही है, तीन है, तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब तो ये ठीक है। आपको हमेशा यहाँ से पिन लगा के पीछे चेक करना है, यहाँ से पिन लगा के पीछे चेक करना है, और यहाँ पे पिन लगा के ये वाले, ये चारों पॉइंट पीछे, आपको दोनों पॉइंट से चेक करनी है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है, तो आप इसको लगा सकते हैं, अगर नहीं आ रही है तो आप इसको चेंज करें, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।